हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज़। को यहां रोजगार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में अगर कोई सस्ते दाम में भरपेट खाना देने की बात करे तो एक पल के लिए हर कोई सोच में पड़ जाएगा, लेकिन लोगों की सोच को हकीकत का रूप दिया है गोहाना की महिलाओं ने। गोहाना में महिलाएं अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन कर रही है, जहां सिर्फ 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाना दिया जाता है। नई अनाज मंडी में प्रदेश सरकार की पहल से शुरू की गई अटल किसान मजदूर कैंटीन आज जरूरतमंद लोगों की कई परेशानियों का समाधान बनी हुई है। इस कैंटीन में कम दाम में भरपेट और साफ खाना देने के साथ इस कैंटीन की खासियत ये भी है कि यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी सिर्फ महिलाएं हैं, यानी यहाँ खाना बनाने, परोसने से लेकर पैसों के लेन देन तक के सभी काम महिलाएं ही संभाल रही हैं। 9 लेडीज काम कर रही हैं और सुविधा जैसे पानी पीने का है आरओ का, और खाना जैसे एक प्लेट में 4 रोटी, चावल, दो सब्जी, एक हरी सब्जी, एक दाल। सस्ते दाम में भरपेट खाना सरकार की ओर से चलाई गई ये योजना जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस कैंटीन से सेवाएं लेने वाले लोगों का कहना है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन के जरिए उनके एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। इस कैंटीन में खाना खाने वाले ज्यादातर मजदूर होते हैं जो यहाँ की अनाज मंडी में काम करते हैं। रुपए में दे रहे हैं जी, फुल डेट दे रहे हैं, फुल डेट दे रहे हैं, चावल वगैरह, दो सब्जी है, रोटी है। तो जिस तरह से बाहर जाते थे होटल में खाना खाने या कहीं और? हाँ, फर्क तो पड़ता है, ये होटल में पैसे भी ज्यादा लेते हैं, ऐसा खाना भी नहीं देते। यानी आम के आम, गुठलियों के भी दाम। इस कैंटीन के जरिए जरूरतमंदों के लिए सस्ते में पेट भर खाना तो मिल ही रहा है, साथ ही महिलाओं को भी रोजगार मिला है। अटल किसान मजदूर कैंटीन में मिले रोजगार के बाद लोगों की आर्थिक दशा में भी सुधार हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस कदम से समाज में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया है। तो सरकार ने मतलब बहुत अच्छा काम करा, तो इतनी महिलाओं को काम मिला है हमारे को, भैया हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमको काम दिया है। तो बेरोजगार थी, घर में काम नहीं था कोई, तो रोजगार मिल गया जी। सरकार की इस योजना से समाज के उन लोगों का कल्याण हो रहा है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। सस्ते दाम में भरपेट खाना मिलने से यहाँ मजदूरों की बचत हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को रोजगार मिलने से आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार हो रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से नवीन जिंदल की रिपोर्ट।